नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मई का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। हमारे गार्डन में जो खिले हुए फूल हैं उनको मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ अभी सर्दियों वाले कुछ फूल भी चल रहे हैं और गर्मियों वाले फ्लावरिंग भी शुरू हुई है थोड़ी बहुत। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले ये सर्दियों वाला खिलने वाला फ्लावर डहेलिया चल रहा है अभी भी हमारे यहाँ। फ्यूसिया, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये बिगोनिया है, ये मैंने कटिंग से तैयार कर रखा था। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके विंटर फ्लावर सेव करने हैं आपने, उनकी छोटी छोटी कटिंग आप लगा दीजिएगा। तो मैंने ये कटिंग से लगाया था, इसमें मेरी फ्लावरिंग हो रही है। इम्पेशन भी हमारे यहाँ अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। डेंथस, ये देखिए, जेरेनियम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये रानी कलर का जेरेनियम है। जेरेनियम रेड कलर, पिंक जेरेनियम, वाइट जेरेनियम, इस कुछ दिन खिले हो गए हैं, अब थोड़ा सा फ्लावर ऐसा हो रहा है। जेरेनियम का एक कलर ये भी है। विंटर फ्लावर साल्विया भी अभी चल ही रहा है। ये देखिए, जेरेनियम आईवी, इस पर भी देखिए मेरी कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। ये देखिए दोस्तों, मेरे गजेनियम में भी अभी तक फ्लावरिंग हो रही है। अभी सुबह सुबह का समय है इसलिए इसमें फ्लावरिंग अभी हुई नहीं है, थोड़ी धूप आने पर होगी। तो देखिए, मेरे यहाँ ये भी चल रहा है, गजेनिया भी चल रहा है। ये देखिए, रोज़ का एक कलर, ये हेलिक्राइसेंथेमम भी है, इसको पेपर फ्लावर भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको अपने विंटर में जो फ्लावर किंग करते हैं वो प्लांट मेरे अभी तक जो चल रहे हैं उनको दिखाया। अब मैं आपको समर में जो फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं जिनमें मेरी फ्लावरिंग हो रही है उनको दिखाती हूँ। समर में बहुत फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है बिंका, तो इसी से समर प्लांट की फ्लावरिंग दिखाने की मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले ये है देसी बिंका, देसी बिंका की वाइट कलर वाली वेराइटी। ये बेबी सनरोज है, इसमें समर में फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। हाइब्रिड बिंका पर भी बहुत फ्लावरिंग हो रही है। ये तो मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है, मैं अभी आपको अपने और प्लांट भी दिखाती हूँ। ये देखिए हाइब्रिड बिंका, इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हाइब्रिड बिंका का मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, मैंने अपने वीडियो में वो दिखा रखा है। एक कलर ये है रेड कलर, पिंक इज वाइट, लाइट पिंक। दोस्तों, ये ब्लीडिंग हार्ट है, इसके मेरे पास तीन प्लांट हैं। अब ये देखिए, ये तो पॉट में लगा हुआ है, ज़मीन में भी लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें भी समर में फ्लावरिंग होती है, इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ये लैंटाना है, ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ तो प्लांट है मेरा, और इसकी वीडियो का वीडियो भी बना दी है इस पर मैंने, इसकी वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। लैंटाना की दूसरी वेराइटी देखिए आप, ये रेड है। पेंटाज, एक्जोरा, इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बर्ड्स आई हुई हैं। ये हॉली हॉक है, इस पर भी देखिए खूब भर के फ्लावर्स हुए आए हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपना जीनिया का कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, जीनिया का एक कलर, ऑरेंज जीनिया, येलो जीनिया, जीनिया का वाइट कलर। दोस्तों, इस गर्मी में देखिए ये जेरेनियम का एक कलर कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, मधुमालती पे तो देखिए आप क्या बाहर छाई हुई है, ये देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग हो। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। देखिए तो सही, इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये झींगा फ्लावर है, इस पर भी देखिए फुल फ्लावरिंग हो रही है। समर में फ्लावरिंग करने वाला येलो टिकोमा, मोंगरा प्लांट पर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। स्मॉल साइज का सनफ्लावर देखिए। दोस्तों, ये देखिए, ये जीनिया प्लांट है, ये मैंने सीडलिंग करी थी, उसी से फ्लावर आए हुए हैं। गॉम्फ्रिना में भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये कैना लिली है, इसमें भी समर में फ्लावरिंग होती है। कॉस्मोस में भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। कॉस्मोस के दो कलर हैं मेरे पास, दिखाती हूँ। एक कलर ये है, एक कलर का ये है, इस ये मैंने सीडलिंग करके खुद तैयार कर रखे हैं प्लांट। देसी रोज़ देखिए, वाइट बोगन बोलिया देखिए, इसमें भी खूब फ्लावरिंग हो रही है। ग्लाडिया येलो कलर का, ग्लाडिया रेड कलर, और इसी में साथ साथ
ये देखिए देसी कलम सदाबहार, ये देखिए देसी गुड़हल है, इसको कहीं जगह जासमंत भी कहा जाता है, और ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। ये गुड़हल का दूसरी वेराइटी देखिए, ये भी कटिंग से तैयार प्लांट है। देसी पिटोनिया में भी फ्लावरिंग हो रही है। क्यूबन बटरकफ देखिए, इसमें भी खूब फ्लावरिंग हो रही है। ये येलो कलर का डहरिया है, इसकी बड्स देखिए आप कितनी बड़ी बड़ आई हुई है इस पर, दो तीन दिन में ये भी खिल जाएगी। अपराजिता में भी फ्लावरिंग होने लगी है, ये देखिए नीले रंग का अपराजिता, मेरे पास वाइट भी है, उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। बोगनवेलिया की दूसरी वेराइटी देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये जेट्रोफा है, इस पर भी देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये सनफ्लावर फैमिली का ही कोई प्लांट है, इसका मुझे वैसे नाम पता नहीं है, और इसमें भी बहुत फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए येलो डहलिया पर मेरा दूसरा प्लांट है, उस पर भी बड़ आई हुई है। दोस्तों ये देखिए इस, ये सदाबहार का एक प्लांट है, फ्लावरिंग हो रही है, पूरा भरा हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ये किस चीज़ में लगा रखा है मैंने। ये घर में पड़ा हुआ कोई पुराना ग्रो बैग है, और उसके अंदर भी मैंने ये सब वेस्ट मटेरियल भर रखा है। इसके अंदर जो गार्डन का कूड़ा निकलता है, जो हम लास्ट में झड़े हुए फूल वगैरह होते हैं, उनको भर के उस पर ये प्लांट लगा रखा है। और कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये देख लीजिए आप, फुल फ्लावर से भरा हुआ है। ये रेड कनेर है, इसमें भी बर्ड्स आने लग गई हैं। चंपा में अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, पर ये बर्ड्स आ गई हैं, कुछ ही दिन में खिल जाएंगी अब ये। ये पारचूला का है, इस पर भी देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये फायर क्रैकर है, इस ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, और इस पर देखिए आप खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पर, ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये ऑरेंज टिकोमा है, इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये मॉन्की टेल है, इस पर भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। यूफोरबिया मिली, इसके मेरे पास तीन चार प्लांट हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। एक कलर ये है यूफोरिया मिली की छोटी वेराइटी, यूफोरिया मिली की येलो कलर में बड़ी वेराइटी। मैक्सिकन पिटोनिया पिंक कलर का, मैक्सिकन पिटोनिया पर्पल कलर का देखिए आप, खूब फ्लावरिंग होती है इसमें। ये देख दोस्तों ये येलो कलर का हिबिस्कस है, इस कल इसमें इसका जो फ्लावर खिला हुआ था, कल खिला हुआ था, ये बहुत ही बड़ा फ्लावर खिला हुआ था, आज थोड़ा सा ये बंद हो रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको मई के महीने में अपने गार्डन में खिले हुए कुछ सर्दियों के और कुछ गर्मियों के फ्लावर्स दिखाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।